कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके हिंदी विषय का है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आप लोगों तक हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे वो आप तक पहुँचते जाएँ। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों के लिए, हिंदी में सॉरी निम्न में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो यहाँ पर जो खड़ी बोली है वहाँ पर प्रथम काव्य कौन सा है, कामायनी। ये आपका कामायनी है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। समास के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे समास के आपके छह प्रकार हैं। समास के आपके कितने हैं, छह प्रकार हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अज्ञेय ने कविता लिखी है, जो कि ये किसके ऊपर या रचित है ये कविता, ये है हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर रचित है ये किताब आपकी, है ना, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो कि शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे, वह सहनाई वादक थे, प्रसिद्ध सहनाई वादक थे। नेक्स्ट है, सच्चे साधु की पहचान किससे होती है, तो जो सच्चे साधु की जो पहचान होती है वह उनके विचारों से होती है। जो भी साधु होते हैं उनके विचार अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति उनको अच्छा समझता है, है ना। नेक्स्ट है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, तो जो छायावादी युग हैं उसके जो कि प्रवर्तक हैं तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी कामायनी, है ना, कामायनी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोलानाथ का वास्तविक नाम था, तो उनका जो वास्तविक नाम क्या था, तो इनका तारकेश्वर नाथ, इनका जो वास्तविक नाम था कौन, तारकेश्वर नाथ, है ना, तारकेश्वर नाथ इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कवि हैं, तो जो प्रयोगवादी कवि हैं ये कौन से हैं, अज्ञेय जी हैं। कौन हैं, अज्ञेय, प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय। कवि निराला के अनुसार कि मादकता चारों ओर छा जाती है, तो जो कवि निराला हैं, है ना, तो इनके फागुन माह में, तो इसका आंसर है कौन से, फागुन माह में मादकता कैसी हो जाती है, छा जाती है, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे बाल गोविंद भगत पाठ विधा है, तो जो बाल गोविंद जो कि विधा है वह कौन सी है, रेखा चित्र, कैसी विधा है, ये रेखा चित्र की विधा है, है ना। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार सभी लेखक नहीं होते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक सभी नहीं होते हैं, कौन से कैसे नहीं होते हैं, कृतिकार, है ना, इसका आंसर है कौन से, कृतिकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका का संपादन के द्वारा किया गया, जो सरस्वती पत्रिका है और उसके संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, ये आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सही जोड़ी आपको किस प्रकार से लगानी है, है ना। तो आइए हम मिलाते हैं कि सही जोड़ी कौन कौन सी है। सभी कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं, कौन व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो ये है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे। पंचवटी सुदामा चरित्र है, तो पंचवटी और सुदामा कैसा है, ये खंड काव्य, है ना, रचित है, ये रचित चरित्र है जो खंड काव्य है, है ना। इसके बाद लखनवी अंदाज, जो लखनवी अंदाज के कवि थे वो कौन थे, यशपाल थे, या इनके रचनाकार हैं यशपाल। चांद, चार चांद लगना, अपनी शोभा बढ़ाना, चार चांद लगाना मतलब अपनी शोभा बढ़ाना होता है इसका अर्थ। भक्तिकालीन कवि सजगता, है ना, सॉरी भक्तिकालीन कवि कैसे हैं, भक्तिकालीन कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास, कवि सूरदास। और थिंक ग्रीन, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजगता, है ना, तो इसको थिंक ग्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक वाक्य या एक शब्द में आप लोग उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे हैं आपके एक वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहा जाता है या उसको क्या कहते हैं, तो उसको जिसमें एक ही हो उसको क्या बोलेंगे, खंड काव्य, है ना, खंड काव्य। और जिसमें पूरे सर्ग हो मतलब सात सर्ग होते हैं तो उसको बोलेंगे महाकाव्य, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे संस्कृति में कौन सी भावना समाहित होती है, तो संस्कृति में जो है कल्याण की भावना, कौन सी भावना, कल्याण की भावना, है ना, कल्याण की भावना समाहित होती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखिए, जिस समाज में पहला पद संख्यावाची हो वह कौन सा समाज होता है, तो वह आपका देहु समाज होता है, कौन सा, देहु समाज होता है। नेक्स्ट है, गर्मी विश्व में सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो विश्व में जो सकल जन कैसे हो रहे हैं वह गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, है ना, कौन सा है इसका आंसर, क्या है, गर्मी से बेहाल, बेहाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी ने सन 1920 में गांधी जी के साथ किस आंदोलन में भाग लिया था, तो जो गांधी जी का 1920 में जो गांधी जी ने आंदोलन किया था वह था कौन सा, असहयोग आंदोलन, है ना, तो असहयोग आंदोलन।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन। और इसमें कौन किन लोगों ने भाग लिया, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, है ना। नेक्स्ट, बत्रस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है ना। आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये किसी में भी पूछा जा सकता है, बत्रस लालच लाल की मुरलीधरी लोकाय, है ना, ये इसका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, इसमें सत्य असत्य की पहचान कीजिए, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने की इच्छुक थे, तो ये इसका आंसर सत्य है, है ना, इसका आंसर सत्य है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी ने पानी का जादू शब्द का प्रयोग मिट्टी के लिए किया है, तो ये असत्य है, है ना, ये आपका कैसा है, ये असत्य है। नेक्स्ट देखिए, अनामिका काव्यकृति सूर्यकांत त्रिपाठी की है, इन्हीं को ही कवि निराला कहा जाता है, तो ये सत्य है, है ना, ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, ये असत्य है, है ना, असत्य है, क्योंकि सभ्यता भौतिक होती है और संस्कृति अभौतिक होती है। सभ्यता को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हम संस्कृति को देख छू नहीं सकते हैं, है ना, संस्कृति को महसूस कर सकते हैं, है ना। सभ्यता जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है, मकानों का स्ट्रक्चर है, आज के समय में इस तरीके के जो मकान बन रहे हैं, है ना, और खाने पीने की जो भौतिक सुख सुविधाओं की, ये सब क्या है, सभ्यता है हमारी, है ना। और संस्कृति क्या है, संस्कृति अभौतिक होती है, है ना, संस्कृति एक दूसरे का व्यवहार होता है, है ना, तो ये क्या कहलाती है, संस्कृति होती है। नेक्स्ट है, अज्ञेय लेखक अज्ञेय का दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है, तो ये बिल्कुल सत्य है, है ना, ये सत्य है। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं, तो ये भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखिए, परशुराम को क्रोध करने पर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिए थे, तो उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए थे कि बचपन में जब हम कितने भी धनुष टूटे परंतु उनमें कोई कभी कोई क्रोध नहीं हुआ, है ना। तो जब ये बात है उस समय की, जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो रामचंद्र जी ने अपने जो है धनुष तोड़ दिया था नेपाल में, है ना, जब वो गए थे तो उन्होंने धनुष तोड़ दिया था, तो उसकी इतनी गर्जना हुई थी कि परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या भंग हो गई, तो फिर वह वहाँ पर उनकी सभा में, राजसभा में चले आए थे, जनक की राजसभा में, तो वहाँ पर वह क्रोधित होने लगे थे, तो उन क्रोध के बस में फिर इनको भी गुस्सा आ गया था लक्ष्मण जी को, तो उस समय की बात है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारी धनियाँ तोड़ डाली, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, आपका कौन सा मोह है इससे, तो इस समय उनकी कुछ नोकझोंक हो गई थी परशुराम जी के बीच में और लक्ष्मण जी के बीच में। नेक्स्ट है, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, फागुन की प्रकृति यानी जो फागुन माह होता है ना, जब हमारे यहाँ पे होली होती है तो वह फागुन माह में होती है ना, तो जो प्रकृति है उसकी सुंदरता का ऐसा निखार आज आ गया कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है, फागुन की सौंदर्य मादकता चहुं ओर छाई हुई, इसलिए कवि के निरंतर देखने का जी चाहता है, उनकी आंखें हट नहीं पा रही हैं, है ना, उनकी आंखें हट नहीं पा रही हैं। उनकी सुंदर क्या है कि जो उस समय जो एक वृक्ष का पेड़ है, पलाश का पेड़ है, उस समय जैसी सर्दी निकल जाती है, निकलती है और गर्मियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय जो पलाश के फूल हैं बिल्कुल लाल अंगारे की तरह दिखाई देने लगते हैं, है ना, चहुं ओर छा जाते हैं, तो उसकी भी एक अपनी ही प्रकृति की वो छटा होती है जो दिखाई देती है चारों ओर, है ना। नेक्स्ट है, आधुनिक काल को गद्यकाल क्यों कहा जाता है, आधुनिक काल को गद्यकाल क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, आधुनिक काल में गद्य की विविध विधाओं का पर साहित्य लिखा गया, इन विधाओं में नाटक है, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, आलोचना, संस्मरण आदि, इसलिए गद्यकाल कहा गया, और इन सभी को गद्य के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन आंसर है हो रहा है, तो ये क्या है, गद्य के रूप में लिखा गया, ना कि पद्य के रूप में, पद्य के रूप में कविता होती है, है ना, कुछ बात कहनी हो किसी को तो कविता के रूप में कहा जाता है, है ना, जैसे कि बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, सोह कहे भवन से दैन कहे नटियाय, तो उस तरीके से जो होता है वह बोला है पद्म में, और नाटक कैसा लिखा जाता है, एक क्रम से लिखा जाता है इस तरीके से, है ना, और उपन्यास भी इसी तरीके से लिखा जाता है ना, तो ये है इसमें, इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यह एक गद्य के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए, प्रगतिवाद की जो विशेषता है वो निम्न प्रकार से है, यहाँ पे इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, है ना, इसके प्रति क्या है, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया, और इस काम में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई, इस काव्य में कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या है, जो प्रगतिवादी हैं, मतलब प्रगति मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम, है ना, तो जो इसमें क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, जो सामने है उस समय वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसका इसमें वर्णन किया जाता है, और इस काव्य में शोषक
वर्ग के प्रति आक्रोश, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से देख लो कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, तो जो इंडस्ट्री जिनकी होती है वह शोषक वर्ग होता है, शोषक वर्ग होता है, और जो शोषित रहता है वह मजदूर वर्ग होता है ना, क्योंकि वह जितने का काम करता है उस हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता है ना। तो इसके प्रति क्या है, आक्रोश व्यक्त किया जाता है। इस काम में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की जाती है, क्योंकि ये लाचार दिखाई देता है, इसलिए इसके प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। इस काव्य में, कविता में, बोलचाल की भाषा का, जो सामान्य बोलचाल, जो जनभाषा होती है, जो सब लोग समझ सकते हैं, उस भाषा का इसमें क्या है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कवियों की रचना लिखिए और कवि का नाम। तो यहाँ पे है गजानन माधव, मुक्तिबोध का, चांद का मोहर टेढ़ा। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछी गई है। अग्रह की है हरी हरी घास क्षणभर, धर्मवीर भारती की है अंधा युग, है ना। तो ये और ये दोनों पुस्तकें बहुत बार पूछी गई ये रचनाएं, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है और नए नए प्रतीक विधान, नए छंद विधान एवं सौंदर्य बोध का काव्य में आविर्भाव हुआ है। नई कविता है ये, है ना। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है, जो भी आपका क्षण है अभी जो उसी को सत्य मान लेती है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हास्य रस क्या है, जिस काव्य को पढ़ने से है ना, और उसको चेहरे पे हंसी आ जाती है ना, अंदर पुलकित हो जाने लगता है मन, तो वह क्या होता है, हास्य रस होता है वहाँ पे। अब इसकी परिभाषा के तौर पर देख लीजिए, किसी काव्य रचना के पढ़ने सुनने या व्यक्ति के सहृदय के हृदय में हास नामक संचारी भाव उत्पन्न हो जाता है। जो संचारी भाव है वो कौन सा है, हास नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है, उसे हास रस की व्यंजना होती है। जैसे नेता को कहता गधा, सर्वना तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए, है ना। तो ये है ना हास रस की यहाँ पे अभिव्यंजना होती है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ना ही इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अनुयुक्ति अलंकार का उदाहरण, तो जहाँ आप प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत यानी सच्चाई की बात का बोध कराया जाता है, वहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार होता है ना। तो ये वहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार होता है, जहाँ पे जिसकी बात कही नहीं गई हो लेकिन फिर भी उसका बोध कराया जाता है ना, तो वही होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही तें बंधे हो, आगे कौन हवाल, है ना। ये किसी एक राजा के लिए ये कहा गया था, है ना। तो उनको होश में आ गए थे फिर वो, कि हाँ हमारी जनता दुखी है ना। नेक्स्ट है श्रव्य काव्य, शब्द काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। शब्द काव्य, तो यहाँ पे देखिए श्रव्य काव्य सुनने वाले, सॉरी यहाँ पे शब्द नहीं है, श्रव्य है ना। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, श्रव्य काव्य सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, क्योंकि हम इनको क्या कहते हैं, सुनते हैं, है ना। अब जैसे कहानी है, कहानी को एक श्रव्य काव्य हुआ ना, कि जब हम कहानी को क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कहते नहीं कि भाई कहानियाँ सुनाइए, तो इस कहानियों को सुन लेते हैं, उससे जो आनंद की अनुभूति होती है ना। तो जिस प्रकार के अगर वहाँ पे आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे मतलब हंसी नामक व्यंजना, हास नामक जो व्यंजना उत्पन्न होती है, अगर आपको उससे हंसी उत्पन्न हो रही तो वहाँ पे हास रस की व्यंजना हो जाएगी, है ना। कहीं क्रोध की होती है तो वहाँ क्रोध की होती है, कहीं भय होता है, कहीं हॉरर होता है, जैसे डर लगने वाली कोई बात होती है, भूतों की बात आ जाती है या कुछ भी, तो वहाँ पे ये बात होने लगती है, वहाँ डर लगने लगता है। नेक्स्ट है दृश्य काव्य किसे कहते हैं, तो दृश्य काव्य देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं, जैसे कि नाटक, कभी नाटक नौटंकी देखी होगी आपने, रंगमंच जैसे कि, है ना। जैसे कभी आप लोग रामलीला का मंच देखा होगा, कहीं अक्सर देखा ही होगा कभी ना कभी, है ना। जैसे कि टेलीविजन, टीवी पर कोई कार्यक्रम आता है, तो उसके दृश्य मतलब ये मूवी कोई होती है, तो ये दृश्य काव्य के अंतर्गत ही आएगी, है ना। तो एकांकी, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, है ना। तो यहाँ पे देखिए गोपियाँ कहती हैं, अरे कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े अभागी हो, कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य को प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी तुम अपना ना बना सके। तो ये उद्धव वो हैं जो कि एक ऐसी कहानी है कि जब कान्हा यानी कृष्ण जी को उनके मामा कंस ने उनको वहाँ पे बुलाया था मथुरा में, तो उनको मथुरा में जब लेने के लिए गए थे तो उन्होंने उद्धव को भेजा था कि तुम कृष्ण को अपने अपने साथ में लेके आइए, और उद्धव और कृष्ण के पिता जो जो थे, है ना, उनके पिता, कृष्ण के पिताजी और ये उद्धव दोनों ही बड़े मतलब एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने उद्धव के साथ में उनको भेजने के लिए मान गए थे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे और गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम बड़े अभागी हो, अद्वितीय सौंदर्य के प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी तुम उनको अपना ना बना सके, ना तुम उनके हो सके, और तुमने प्रेम का आनंद नहीं लिया, यह तुम्हारा ही दुर्भाग्य है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे रेखा चित्र किसी कहती हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करना कि आँखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य चित्र खींचता चला जाए, उसे रेखा चित्र कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रेखा चित्र से तात्पर्य एक ऐसी एक इस तरीके से देखा जाता है कि जब हमें आंखों के आगे कोई भी व्यक्ति दृश्य
खिंचता हुआ चला जाता है जब हम किसी की कल्पना करने लगते हैं, है ना। तो रेखा चित्र में जब कोई हम कहानी या कुछ भी नाटक या कुछ भी इस तरीके का सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में वो वैसे ही उमड़ने लगते हैं, वैसे दृश्य अपने आप के झलकने लगते हैं, है ना, कि ऐसा हो सकता है, वह वस्तु या वस्तु का दृश्य खिंचता चला जाए, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं, है ना। भक्ति काल नेक्स्ट है यहाँ पे। भक्ति काल के दो कवियों के नाम, इनकी रचना है, तो भक्ति काल में है तुलसीदास और सूरदास, इन दोनों का ही बहुत नाम बहुत ही विख्यात है। मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं इसी में आते हैं। तो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस और सूरदास के द्वारा सूर सारावली, सूरदास, है ना, सूर सूर के नाम से ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे किन्हीं दो निबंधकारों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम। तो निबंधकार हैं जो मुख्य रूप से जो निबंधकार हैं, एक है हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट नवीन, इनको कहते हैं। ये इनका ईश्वर ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक इनकी कृति है, और ये उम्र और चढ़ती उम्र या इसको उम्र बोलते हैं। तो ये बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट है यहाँ पे आत्मकथा एवं जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए। तो आत्मकथा लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती है ना। तो ये तो आत्मकथा मतलब आत्मा मतलब स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा होती है खुद की होती है, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इसको, है ना। लेखक के स्वयं के अनुभव, लेखक स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, है ना। तो लेखक के द्वारा स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है और स्वयं के ऊपर लिखी जाती है, वह क्या कहलाती है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और जीवनी क्या कहलाती है, जो व्यक्ति अब जिंदा नहीं है या रह तो गया है लेकिन वो लिखते नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उनकी उनकी जीवनी के बारे में, दूसरा व्यक्ति लिखता है। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, जैसे कि महात्मा गांधी जी की, है ना। तो उनकी उनके द्वारा अब कोई व्यक्ति अगर उनकी किताब लिखे तो उनके क्या है, महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित, तो उनकी जीवनी कहलाएगी, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। और नेक्स्ट इसमें किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया जाता है कि भाई उनके चरित्र कैसा था, वह कैसे थे, है ना, उनके विचार क्या थे, है ना। और उनका नेक्स्ट, है ना, जैसे कि इसका उदाहरण है अमृत राय की कमल का सिपाही, कलम का सिपाही, सॉरी, अमृत राय की है कलम का सिपाही। नेक्स्ट है यहाँ पे निबंध किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, निबंध किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका था, देखो एक तो उनका पुत्र था और वो भी खत्म हो चुका था, अब नहीं रहा, वह बूढ़े भी हो चुके थे, है ना, बूढ़े भी हो चुके थे, वे स्वयं अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए पुत्र वधु ने उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। वह चाहती थी कि वह सही तरीके से रहें, जब तक रहें उनकी सेवा करती रहें, है ना। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान है, सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। जो बिस्मिल्लाह खान है उनको मंगल ध्वनि की नायक, मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मांगलिक अवसरों पर सहनाई बजाई जाती है। सहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खान के स्वर के कारण इतिहास में वो सर्वोपरि थे, परी हैं, मतलब इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, क्योंकि ये इतने निपुण हैं सहनाई बजाने में कि पूछो मत, है ना, कि बहुत अच्छी ये सहनाई बजाते हैं और ये बहुत सहनाई विख्यात हैं, इसलिए सहनाई की बात। में श्रृंगार रस की परिभाषा, है ना, तो श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित ये आप लोगों को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने आपको अभी आपको समझा दिए, इसलिए बाकी के जो क्वेश्चन है जैसे कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, नाटक कोई एकांकी में दो, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं देखिएगा, अपनी बुक्स में कहीं आपको मिलेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आप लोगों के लिए आएंगे ही आएंगे, है ना, ये आएंगे ही आएंगे, है ना। देखो यहाँ पे भक्ति काल की विशेषताएं, छायावाद के दो कवियों के नाम और रचनाएं लिखिए, निम्न में से गद्यांश, अब यहाँ पे आपको गद्यांश जैसे कि ये है पद्यांश में, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी, कैसी बड़ी इसका है, ये पूरा जो भी है, है ना, ये आप लोगों के लिए आएगा। ये बिकल बिकल उन्मन थे बादल गरजोर, तो ये इसके बाद ये 19वें क्वेश्चन है, निम्न में से थे एक पद्यांश की, अध्यांश नहीं, पद्यांश की संदर्भ से व्याख्या, तो काशी में संगीत आयोजन के ये वाले जो हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे जरूर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय ज्ञान प्रसार सर्वोपरि साधन है, इस पर एक अनुच्छेद लिखिएगा। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, इस पर विषय पर निबंध अनुच्छेद लिखना है, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे पद्यांश पढ़कर पूछेंगे प्रश्न, वीरों का हो कैसा बसंत, है ना। प्राचार्य महोदय बुक बैंक प्राप्त करने हेतु आवेदन, सचिव महोदय के माध्यम मंडल मध्य प्रदेश को अंक तालिका की द्वितीय प्रति मांगने हेतु, है ना, आपकी प्रति खो गई है या कुछ भी इस प्रकार से बताना है। और ये आप लोगों के लिए लगभग 120 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। दैनिक जीवन की महंगाई का असर, शराबबंदी की आवश्यकता एवं लाभ, हमारे जीवन में कंप्यूटर का महत्व और किसी एक खेल के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, है ना, या दैनिक जीवन में महंगाई।